मॉर्निंग चिल्ड्रन, कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है आप सभी अपने घरों में सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। सो चिल्ड्रन, टुडे वी विल रीड अ प्ले फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक मैरीगोल्ड यूनिट 7। इस यूनिट में हमने एक पोयम पढ़ी थी, अ वॉटरिंग राइम, और ये है एक प्ले यानी कि एक नाटक, द गिविंग ट्री। तो हम क्या करेंगे आज, इसके हम पेज नंबर 121 और 122 की रीडिंग करेंगे और इसे समझेंगे। इसके लिए आप अपने साथ एक टेक्स्ट बुक रखें अपनी, और साथ में एक पेंसिल भी रखें जिससे कि आप न्यू वर्ड्स को साथ के साथ अंडरलाइन करें। सो चिल्ड्रन, लेट्स स्टार्ट रीडिंग पेज नंबर 121, द गिविंग ट्री। हाउ डू यू फील व्हेन यू हेल्प समवन? आपको कैसा लगता है जब आप किसी की मदद करते हैं? हाउ डू यू फील व्हेन यू शेयर योर थिंग्स विद अदर्स? आपको कैसा लगता है जब आप अपनी चीजें किसी के साथ शेयर करते हैं, बांटते हैं? रीड दिस प्ले टू नो हाउ अ ट्री फील्स व्हेन ही हेल्प्स अ बॉय। इस प्ले को रीड करें, इस नाटक को पढ़ें, यह जानने के लिए कि एक पेड़ को कैसा फील होता है जब वह एक बच्चे की, एक लड़के की मदद करता है। नरेटर, बच्चों जब हमने नेहाज अलार्म क्लॉक पढ़ा था तो उसमें मैंने आपको पहले भी बताया था कि नरेटर का मतलब होता है कहानी कहने वाला, जो कहानी को कहता है। तो नरेटर से स्टार्ट करते हैं। वंस देयर वाज अ ट्री एंड इट लव्ड अ लिटिल बॉय। एवरी डे द बॉय वुड विजिट द ट्री एंड एंजॉय इट्स कंपनी। एक बार एक पेड़ था और वह एक छोटे लड़के को बहुत प्यार करता था। वह बच्चा रोज उस पेड़ के पास आया करता था और उसकी कंपनी को एंजॉय करता था। कहने का मतलब कंपनी होता है साथ, उसके साथ को वो एंजॉय करता था, माने आनंद उठाता था उसके साथ का। कैसे? ट्री, अब ट्री कह रहा है, कम हियर माय बॉय, कम एंड क्लाइंब अप माय ट्रंक एंड स्विंग फ्रॉम माय ब्रांचेस। ट्री कहता है, बच्चे मेरे पास आओ, मेरे ट्रंक पर चढ़ो। ट्रंक माने तना, एक बड़े पेड़ का जो तना होता है उसे ट्रंक कहते हैं। ये हमने लास्ट वर्कशीट में भी किया था, पार्ट्स ऑफ द ट्रीज जब हमने किए थे। तो पेड़ कहता है कि आओ मेरे तने पे चढ़ो और उससे चढ़कर मेरी ब्रांचेस यानी कि ये एक और पार्ट है ट्री का, ब्रांचेस यानी टहनियां, मेरी टहनियों पर झूलो। स्विंग माने झूलना। ट्री, देन बॉय क्या कह रहा है? स्विंगिंग फ्रॉम ब्रांचेस, बच्चा टहनियों पर झूल रहा है और कह रहा है आह व्हाट अ फन। बच्चा कहता है आह कितना आनंद है इस तुम्हारी टहनियों पर झूलने में। तो बच्चों में हमने जो एक वर्ड्स पढ़े थे कि जब हम यूज करते हैं व्हेन वी फील हैप्पी, तो उसमें एक वर्ड ये भी था आह। तो ये बता रहा है कि बच्चा जो है बहुत हैप्पी है, खुश है। ट्री, आर यू हंग्री? ईट माय एप्पल्स। अब ट्री बोल रहा है किसे? बच्चे को कह रहा है कि क्या तुम भूखे हो, मेरे सेब खा लो। तो इसका मतलब बच्चों तुम्हें ये पता लगता है यहाँ पर कि वो पेड़ किसका पेड़ था? वो पेड़ था सेब का पेड़ यानी एप्पल ट्री। बॉय ईटिंग एप्पल्स, हाउ डिलीशियस। बच्चा अब सेब खा रहा है और कह रहा है आ कितने स्वादिष्ट फल हैं। डिलीशियस माने स्वादिष्ट। नरेटर, व्हेन द बॉय वाज टायर्ड ही स्लेप्ट अंडर द ट्री, द ट्री वाज हैप्पी टू गिव इट्स शेड। अब नरेटर कहता है कि जब बच्चा थक जाता था, टायर्ड माने थकना, जब बच्चा थक जाता था तो वह उस पेड़ के नीचे सो जाता था और ट्री उस बहुत खुश होता था उस समय। क्या देकर? उसे अपनी छाया देकर, शेड माने छाया, छाया देकर पेड़ बहुत खुश होता था। बट टाइम वेंट बाय एंड बॉय ग्रू ओल्डर एंड वेंट अवे। अब क्या हुआ, समय बीतता गया और जो बच्चा है वो बड़ा हो गया और वह वहां से चला गया। अब बच्चों फिर क्या होता है, पेज नंबर 122 पे पढ़ते हैं। द ट्री वॉज ऑफन अलोन, और वह पेड़ अक्सर अकेला ही रहा करता था। आफ्टर सम ईयर्स, कुछ सालों के बाद, वंस वन डे द बॉय केम टू द ट्री एंड द ट्री वॉज हैप्पी। कुछ वर्षों बाद वह लड़का वापस पेड़ के पास आया और पेड़ बहुत खुश हो गया। ट्री, कम माय बॉय, कम एंड क्लाइंब अप माय ट्रंक एंड स्विंग फ्रॉम माय ब्रांचेस। तो जैसे पेड़ पहले कहा करता था उसने वही कहा, आओ बच्चे मेरे पास आओ, मेरे तने से मेरी टहनियों पर चढ़ो और झूलो। बॉय, अब बॉय ने क्या कहा, आई एम टू बिग टू क्लाइंब एंड प्ले। अब मैं
खेलने के लिए और तुम्हारे ऊपर चढ़ने के लिए बहुत बड़ा हो चुका हूँ। कहने का मतलब कि अब मैं छोटा नहीं रहा। आई वॉन्ट टू बाय थिंग्स एंड हैव फन। अब मैं चीजें खरीदना चाहता हूँ और मजे करना चाहता हूँ। कहने का मतलब है, बच्चे ने कहा कि अब मुझे तुम्हारी टहनियों पर झूलकर, तुम्हारे तने पर चढ़कर मजा नहीं आता, मुझे चीजें खरीदने में मजा आता है और उनका आनंद लेने में। आई वॉन्ट सम मनी, कैन यू गिव मी सम मनी। तो चीजें लेने के लिए उसे क्या चाहिए था? मनी चाहिए होती है ना, पैसा चाहिए होता है। तो उसने कहा कि मुझे कुछ पैसे चाहिए, कैन यू गिव मी सम मनी, क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो। ट्री, आई एम सॉरी बट आई हैव नो मनी। ट्री ने कहा, सॉरी, मेरे पास तो पैसे नहीं है। आई हैव ओनली लीव्स एंड एप्पल्स, मेरे पास सिर्फ पत्तियां हैं, लीव्स मैंने पत्तियां एंड एप्पल्स, एप्पल्स उसके फ्रूट। यू कैन प्लक माई एप्पल्स एंड सेल देम इन द मार्केट, तुम मेरे सेब तोड़ सकते हो। प्लक करना, तोड़ना। तो उसने कहा, तुम मेरे सेब तोड़ सकते हो और उन्हें जाकर बाजार में बेच सकते हो। देन यू विल हैव मनी, और फिर तुम्हारे पास पैसे आ जाएंगे। नरेटर, द बॉय हैप्पीली प्लक्ड द एप्पल्स एंड कैरीड देम अवे। बच्चे ने खुशी खुशी प्लक्ड, तोड़े एप्पल्स और उन्हें लेकर चला गया। कहाँ गया होगा बच्चों? मार्केट में बेचने के लिए। द ट्री वॉज ऑल्सो हैप्पी, और वो पेड़ बहुत खुश हुआ उसे एप्पल्स देकर। बच्चा एप्पल्स लेकर खुश हुआ, लड़का, और पेड़ अपने एप्पल्स देकर खुश हुआ। बट द बॉय स्टेड अवे फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड द ट्री वॉज सैड। फिर उसके बाद काफी समय तक, लंबे समय तक वो बच्चा पेड़ के पास नहीं आया और पेड़ फिर से उदास हो गया। वन डे द बॉय केम बैक एंड द ट्री शुक विद जॉय। एक दिन वो लड़का वापस पेड़ के पास आया और पेड़ हमेशा की तरह उसे देखकर खुश हो गया। सो चिल्ड्रन, दिस वॉज पेज नंबर 121 एंड 122। इसके आगे स्टोरी में क्या होगा, प्ले कहाँ जाएगा, ये हम कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए हम इतनी ही रीडिंग करेंगे। चलिए अब देख लेते हैं कि इसमें आपने जो न्यू वर्ड्स साथ के साथ मैंने आपको बताए भी थे, बट आप एक बार फिर देख लीजिए। इसमें हंग्री का मतलब है भूखे पेट, कंपनी मने संगठन या साथ, प्लक मने तोड़ना, डिलिशियस मने स्वादिष्ट, शेड मने छाया, शुक मने हिलाकर रख दिया या हिलाना। अब क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स। द बॉय वुड विजिट द ट्री एंड डैश इट्स कंपनी एंड एंजॉय इट्स कंपनी। व्हेन द बॉय वाज डैश ही स्लेप्ट अंडर द ट्री। वो कब सोता था पेड़ के नीचे? व्हेन ही वाज टायर्ड। तो इसमें आएगा टायर्ड। क्लाइंब अप माय डैश एंड स्विंग फ्रॉम माय ब्रांचेस, क्लाइंब अप माय ट्रंक। आई हैव ओनली लीव्स एंड एप्पल्स, द बॉय ग्रू एंड वेंट अवे। अब इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं इन 2 पेजेस में से, ये आपकी टेक्स्ट बुक में है, आप इन्हें देख लीजिए। हाउ डिड द बॉय एंजॉय द कंपनी ऑफ द ट्री? तो इसका आंसर है, पहले हम क्वेश्चन से लिखेंगे, द बॉय एंजॉयड द कंपनी ऑफ द ट्री बाय क्लाइंबिंग अप ट्रंक, उसके ट्रंक पर चढ़ के, स्विंगिंग फ्रॉम ब्रांचेस, उसकी टहनियों पर झूलकर, ईटिंग एप्पल्स, उसके फल खाकर, एंड स्लीपिंग अंडर इट, और थककर उसके नीचे सोकर। इस तरह से वो जो लड़का है वो उस ट्री की जो कंपनी है, जो उसका साथ है, उसको एंजॉय करता था। अब सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डिड द ट्री हेल्प द बॉय अर्न मनी? पेड़ ने कैसे हेल्प किया उसको मनी अर्न करने में? तो बच्चों आपको पता है, द ट्री हेल्प द मनी, हेल्प द बॉय अर्न मनी, ये क्वेश्चन में से ही लिखेंगे और साथ में फिर लिखेंगे, बाय लेटिंग हिम प्लक इट्स एप्पल्स, उसने उसको अपने एप्पल्स प्लक करने के लिए कहा, एंड सेल देम इन द मार्केट, और उन्हें मार्केट में बेचने के लिए कहा जिससे कि उसे पैसे मिले। सो चिल्ड्रन, दिस वॉज ऑल अबाउट टूडे, और इसके बाद जो आपको वर्कशीट दी गई है आप उसे ध्यान से करें, और जो वर्कशीट में क्वेश्चंस दिए हैं वो भी आपके साथ मैंने इसमें वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। सो चिल्ड्रन, टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, यू पीपल स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू एंड बाय बाय।